अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। भाई, उस मनहूस की वजह से मजीद जिंदगियों की चराग गुल होने से बचा लें, दिल को मजबूत करें और उसे इस कबीले से दूर भेज दें। हलीमा, कितने शर्म की बात है ये, तुम अभी भी सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही हो। सलीबियों की कैद में है मेरा तुर्कुत। सलजूक रियासत के हिस्सेदार बनने जा रहे हो तुम, बाबा की क्या अहमियत है? और दूसरी तरफ कुकचे तुम्हारी मोहब्बत में खुली जा रही है, तुम्हें क्या? रुक जाए अमीर मौजम, मुझे चेहरा देखना है। वजीर आजम को सरतन से जुदा करके वो काफिर अपने साथ ले गया। अर्तुरुल, यहां आ जाओ। बैठे रहो, बैठे रहो। खुश आमदीद मेरे बच्चों। बाबा, मुझे लगता है शायद इन्हें हमारे आने की खबर नहीं है। वालिदा, आपने बताया नहीं कि कुछ मेहमान भी मधु हैं खाने पर? तुम्हें ये मेहमान लगते हैं सलजान? ये तो हमारे अपने घर वाले हैं। आ जाए, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। खुशी की बात है कि सब साथ मौजूद हैं। सुलेमान शाह भी बहुत खुश होंगे ये देखकर कि पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई सरजमीन की सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर दुआ की जाए। आप सबको खुश आमदीद। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। तुम भी बैठ जाओ। हलीमा सुल्तान, आपने हमारी दावत कबूल की, खुशी है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू कीजिए। Thank you.
मेरे मरहूम बाबा कहते थे कि पहाड़ के बुलंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर हो ही जाता है वो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारे कबीले ने पहाड़ों से कूच किया था। अब अंदाजा होता है कि हम हिजरत करके इस सरजमीन पे आबाद तो हो गए, लेकिन सलीबी हमलावरों ने हमारे बहुत से लोग शहीद कर दिए। जिंदगी पहले भी मुश्किल में थी और शायद आगे भी आसान ना हो। अल्लाह से दुआ है कि हमारे तमाम शहदा पर अपना करम फरमाए और उन्हें अजर अजीम दे और उनके वारिसों को सबर अता करे। आमीन। और मेरे बेटे दुंदार ने भी सलीबी हमलावरों का मुकाबला करके कबीले को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, अपने बहादुर भाइयों की तरह एक कारनामा सर अंजाम दिया। इंशाल्लाह जल्द ही वो हंसता खेलता हमारे दरमियान होगा। इंशाल्लाह। जमीन जो हमने बहुत ही मेहनत से हासिल की है, इसमें अभी हमारे लिए बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और हम हर इम्तिहान का मुकाबला डटकर करेंगे। और मैं आज गुंदुगदू और अर्तुरुल को अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। दोनों ने अपनी जांफिशानी से पूरी तरह साबित किया है कि वो सरदार बनने की अहलियत रखते हैं। ख्वाहिश है कि कबीला भी देखे कि सुलेमान शाह के सपूत उससे कहीं ज्यादा सलाहियत के हामिल हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा सलाहियत रखता होगा वो सरदारी का सही हकदार होगा। गुंदुगदू कबीले के रोजमर्रा के मामलात को देखेगा, मवेशियों की खरीदो फरोख्त और मसनूआत की तिजारत बहुत अहम जिम्मेदारी है जिसके लिए मामला फहमी और अनथक मेहनत की जरूरत है। इसलिए तुम ये काम करोगे। इसके अलावा सलीबी हमें यहां चैन से नहीं रहने देंगे। अर्तुरुल और उसके जांबाज हमें इन काफिरों के हमलों से बचाने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। हमें इनकी कुव्वत बाजू पर पूरा भरोसा है और अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये तुर्गुत को भी काफिरों की कैद से छुड़ा कर ले आएंगे। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं अपने तमाम बेटों की जवान मर्दी को सराहते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हमेशा फतेहयाब रखे और हर मैदान में सुरखरू करे। आमीन। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह बाबा। हलीमा सुल्तान, आपने भी मुश्किल वक्त देखा है बहुत। खुदा का शुक्र है कि अब आपकी सेहत बेहतर है, लेकिन आपको और शहजादों को जो ताकतें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अल्लाह आपको जल्द उनसे छुटकारा देगा। सुलेमान शाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी रियासत से गद्दारी करने वाले बाप की नहीं, इस कबीले की बेटी बनना चाहती हूं और इस कबीले के लोगों में जिंदगी गुजारना चाहती हूं। मैं अर्तुरुल और गोपचे के निकाह में आपकी शमूलियत हम सब के लिए बाइस मुसर्रत होगी। हलीमा सुल्तान, सुलेमान शाह से इजाजत लेता हूं मैं। सरदार, अब सिंबाशा और शहजादे यकीत आए हैं। यकीत? बुलाओ उन्हें, उनके लिए भी जगह मौजूद है यहां। बाबा, अफसिन पाशा के बारे में आपको बताया था, वो और कारा पहले सुन लेते हैं उसे।
बाजी। शुक्र है मेरा परवरदिगार। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई अफसन पाशा? अर्थरुल, शहजादों से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है मैंने, यही बताने आया हूं सुलेमान शाह। बाबा कहां है अफसन पाशा? बताइए ना। शहजादा नौमान, रियासत कभी माफ नहीं करेगी। आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे शहजादी, मैंने अपने हाथों से दफनाया है उन्हें और अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। ऐसा कैसे हुआ अफसर पाशा? सेल्जुक रियासत की बेहतरी के लिए जो जरूरी था वो हुआ अर्तुरुल साहब। रियासत के गद्दार थे लेकिन थे तो मेरे बाबा। हमने सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खाई, कितनी अजियतें कितनी तकलीफें झेली, सुकून का कोई लम्हा मैसर नहीं आया हमें। मेरे भाई ने भी इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेला। जानती हूं बाबा मजबूर थे, शायद हमें बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्या मालूम। मगर मैं ये बात कभी नहीं जान पाऊंगी। चले गए वो, मैं उन्हें वैसे याद रखूंगी जैसे मैंने उन्हें सारी जिंदगी देखा, एक बहादुर बाप की तरह जो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहता था। वो सिर्फ मेरे बाबा थे, वो रियासत से गद्दारी नहीं कर सकते। शुक्रिया अर्थरुल आपका। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और ये गीत कुरानी साल करना चाहते हैं बाबा को। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए हलीमा, और आपको सब्र दे। आमीन।
गिद्ध? तमीर चाचा हमारे लिए खैमा लगा रहे हैं, वहीं ले जा रहा हूँ बिस्तर। हलीमा सुल्तान कैसी है? दुर्गत भाई को आप लेने जा रहे हैं ना? हाँ ये गिद्ध। वो उन पर बहुत जुल्म करते हैं, उन्हें सजा दिए बगैर वापस ना आइए अर्तुरुल भाई। अंदर आ सकता हूँ? आ जाए अर्तुरुल भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर वो जिंदा है आकिस, तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे, मुझे मालूम है ये बात। मुझे बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया आपका अर्तुरुल, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बाबा की जुदाई के बाद कोई और दुख नहीं झेल सकती मैं अर्तुरुल। याद है ना मैंने क्या कहा था जब आप जा रहे थे मुझे पहली बार छोड़कर? अल्लाह आपको हमेशा अपने अमान में रखे, आपको हर मुसीबत से बचाए, हर तूफान से महफूज रखे, हवा के झोंके पे जाएं और इतनी ही तेजी से वापस आए। मुझे उम्मीद है कि अक्तुल गेली पे सवार होकर बहुत जल्दी वापस आऊंगा मैं यहां। तो तुम दुर्गत को वापस लाने जा रहे हो? बताना जरूरी नहीं, किले को अंदर से बखूबी जानता हूँ। अगर आप कहें तो मैं भी चलता हूँ। आई के जरूर अपने साथी सिपाहियों से जरूरी बातें मालूम कर चुका हूँ। मैं किसी भी ऐसे शख्स से मदद नहीं लूंगा जिसने मेरे साथियों के कातिल से हाथ मिला लिया। खुदा हाफिज। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة
कुर्दोगलू की तरफ से पैगाम लाया हूं। बोलो बोलो, क्या पैगाम लाए हो? आ रहा है क्या गुंदोग तो? जी हाँ आ रहा है, मगर मैं आपको ये बताने नहीं आया। तो किस लिए आए थे? जिन दो लोगों की आप तलाश में हैं, कबीले में वो मेहमान हैं हमारे। कौन है वो लोग? शहजादा यगित और जनाब इब्नुल अरबी। कुर्दोगलू ने कहलवाया कि एक मेहमान आपकी तरफ भी आ रहा है। क्या मतलब, कौन है वो? अर्तुरुल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, तू ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है, तू हमसे राजी हो जा और हमारी तौफीकात में इजाफा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और इस जमीन को वो सतता की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल करीम वाला आलिहि वसहाबिहि अजमाईन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज बुजुर्गों और साथियों, रब्बे करीम सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह का खास फजल करम है। अम्बिया सिद्दीकीन शोहदा और सालिहीन का साथ, और वो क्या अच्छे साथी हैं। एक मुसलमान की सबसे आला सिफत सादिक होना है, और सादिक के क्या मानी है? हमेशा सच गोई को अपनाना, जुबान से हमेशा सच बात कहना, जुल्म और कुफर के सामने कभी भी सच्चाई और हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जो ऐसा करता है खुदा उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मोहतरम मौज़ज़ीन, जिस सिफत ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से, आतिश नमरूद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कुएं से हजरत यूसुफ को, और मुशरिकीन से पैगंबर इस्लाम को बचाया, वो इन हस्तियों का सादिक होना था। अल्लाह हमें भी सादिक होने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रखे। आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, गद गामतुस सलात गद गामतुस सलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر।
मेरी तरफ देखो और दोहराओ इसे। उचल लो। ओ चल चीलो। उचल लो। दोहराओ। मोल्टो बेल्लो उचेलो। खूबसूरत। खूबसूरत तो तुम हो, मोल्टो बेल्लो से भी ज्यादा खूबसूरत, यकीन करो। अगर तुम कभी जेनोवा गए तो हर लड़की तुमसे बात करने के लिए तरसेगी। तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई लड़की मुझे अच्छी ही नहीं लगेगी। असल में मैं यहूदा। अपनी असलियत कभी मत भूलना। जंगजू यहूदा। यहूदा की दूसरी पैदाइश पर इसकी जिम्मेदारी मिली थी तुम्हें, लेकिन तुम तो इसे चाहने लगी हो। तुम्हारा किरदार अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बेवकूफ यहूदा। यहूदियों ने जैसे यसु मसीह को मसलूब किया था, वैसे ही अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाना है तुम्हें। मुकद्दर है ये तुम्हारा। मेरा मुकद्दर। बेवकूफ चैन लो। हक माफ कीजिएगा बाबा। माफ किया। हक माफ कीजिएगा। माफ किया। सरदार ये संदूक हलफ से आया है। कासिद कह रहा था कि शाबुद्दीन ने तोहफा भिजवाया है। खोलो इसे। चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे कातिलों से इस कत्ल का हिसाब न ले लूं मैं। ये दुनिया उनके लिए जहन्नुम बनेगी। हक माफ कीजिएगा। माफ किया।
जवाब दे दिया था तुम्हें, तो क्यों आए फिर? किले के अंदर जाने का इरादा तो नहीं? तुर्गुत को बचाना तो चाहते हो, मगर कैसे बचाओगे ये नहीं जानते। अगर मैं बता दूं कि उसे हम कैसे बचा सकते हैं, तो क्या मुझे ले चलेंगे साथ? कैसे? कार्डिनल थॉमस, ताता सारपुत। हाँ मैं ही हूं, और तुम कौन हो? गंदोगदो। तो काई कबीले से आए हो, और वो कौन था? कुर्दोगलू। हाँ वो तुम्हारा चचा है। मेरे साथ चलकर रेवड़ और मवेशी देख सकते हो तुम? क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? कहो क्या जानना चाहते हो गंदोगदो? यही कि तुम बदनाम जमाना सलीबी किले वाले ही हो। तुम मुझे काफी अच्छे लगे नौजवान। तुम्हारे इन अल्फाज के बाद तो और भी पसंद करने लगा। बैठो बैठो। कुछ पीना पसंद करोगे? गर्मा गर्म मुर्ग यखनी है इसमें। जरूर, पी लेने से बदन में गर्मी आ जाएगी थोड़ी। यखनी पेश की जा नौजवान को। हम सलीबी लोग हैं, उन रिवायती पादरियों से नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और इतनी शदीद के तुम मुसलमानों को इसका जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं। बहुत अच्छे, खुशी हुई कि कोई चीज तो मुश्तरक है हमें। मुझे भी नौजवान, तो क्या हम लोग काम की बात कर सकते हैं? बहादुर होते ना ये, तो पहाड़ों के पीछे छुपकर किले में नहीं बैठे रहते ये काफिर लोग। हाँ ये तो हम मुसलमानों की बहादुरी है जो इस किले पर भी हमला करने पहुंच जाए। हमसे लड़ेंगे ना तो किले की ऊंची दीवारें भी इनको बचा नहीं पाएंगी। इस तरह के बहुत से सलीबी किले पूरे बोहरे रूम में मौजूद हैं। ये काफिर अपने मंसूबों की तकमील के लिए अपने पापा आजम को भी डराते धमकाते हैं, और कार्डिनल को पापा आजम बनाना चाहते हैं। काफिर तो हर जगह है अफसन पाशा, कबीले में है, खेमों के अंदर है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। कहीं ऐसी हुकूमत नहीं जो मजबूत हो। सब कुछ इतना परेशान कुन भी नहीं है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में घिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत जल्द उभरेगी इंशाल्लाह, जिसकी सरहदें लामहदूद होंगी, और वो सल्तनत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस उरूज पर पहुंचाएगी कि दुनिया भर में उसकी शोहरत होगी, और उसका परचम पूरे आलम इस्लाम का बोलबाला करेगा। सच पूछो तो तुर्क कौम ज्यादा अरसे तक अजान, परचम और सल्तनत के बगैर नहीं रह सकती। अर्तुरुल भाई, कार्डिनल पे काबू पा ले पहले, फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे हम। मदद करो, कोई है, मदद करो मेरी।
कोई है? कोई है? मदद करो मेरी, कोई है जो मदद करे। अब्दुल रहमान भाई, क्या हुआ अब्दुल रहमान? सुलेमान शाह ने हमें यहां जासूसी के लिए भेजा था, मगर हम पर हमला हो गया, दो सिपाही शहीद हो गए। मैं यहां भूखा प्यासा किले की निगरानी कर रहा था। अल्लाह शहीदों को जन्नत अता फरमाए। आमीन। बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? तुम तैयार हो टाइटस? जी उस्ताद आसम। हलब में हमारी नाकामी की वजह से बहुत परेशान हैं आप? हां थोड़ा बहुत, खासकर अल अजीज ने जो किया उस पर। शहबुद्दीन की जगह आने वाला वफादार सलीबी हमें वहां पहले से मजबूत कर देगा। मसला सिर्फ हलब का नहीं, बोर्डाओ से ब्लैंकफोर्ड, प्रोवेंस से अमंड, आरागोन से तोरोजा और सबसे आखिर में मोंटेग्यू। इन उस्तादों और अजीम दस्तगाहों से सीख कर भी अगर नाकाम हो गया मैं तो मौत को तरजीह दूंगा टाइटस। उस्ताद आजम हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप अंताकिया के उस्ताद आजम हैं। कुछ पर जब हम काबिज होंगे तो आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। चलो देखते हैं कि इस बारे में हमारे मेहमान क्या कहते हैं। कौन से मेहमान? यरूशलेम, अक्का और त्राबलुस का सालार। वो अपने उस्ताद मोंटेग्यू की हिदायत पर यहां आ रहे हैं। अब हमारे पास नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है टाइटस, और इसके लिए मजीद निडर, सख्त जान, कम से कम उन खाना बदोशों जितना वैशी होना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो ना तुम? असल बात यह है कि हम जिसकी तलाश में थे वो हमारे पास आ रहा है। वाकई? तुम काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुर। दूर खड़ा शैतान मुझ पर मुस्कुरा रहा है।
और कह रहा है, बेशक मरने दो उस थॉमस को, उसकी मौत से ही फायदा है। ये क्या किया तुमने तुमको? ओह, ओह।